हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी और उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल किए थे। ठीक है, अब हम आज शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक और इसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। ठीक है जी, देखिए मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। मैकेनिकल एनर्जी इज दी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को ऐड कर दें तो वो मैकेनिकल एनर्जी होती है हमारे पास। तो मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है। ठीक है, अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या कहता है। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी कहता है कि किसी भी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, या वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी। बेसिकली आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो ज़रूरी नहीं है कि हर सिस्टम के लिए कंजर्व रहे, किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए कंजर्व रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आज हम एक एग्जांपल भी लेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जब कोई वर्क डन करती है तो तब, या फिर ग्रेविटेशन फोर्स के अंडर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग हो तो तब हम कहते हैं कि उस केस में जो है मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। वो आज मैं प्रूव भी करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्टेट्स दैट द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम है किसी सिस्टम के लिए, अगर वो कांस्टेंट है तो हम कहेंगे कि जो एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व रह रही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए जी, अब इसमें टू प्रूव दैट मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है तो उसके केस में जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, ओके। अब प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक बॉडी कंसीडर करते हैं, लेट करते हैं एक बॉडी जो है वो पहले इस हाइट पे थी ए पॉइंट पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गिरी यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुँची। जब बी पॉइंट पे पहुँची तो इसने डिस्टेंस जो कवर किया वो एक्स कवर किया, फिर ये और गिरी नीचे और फिर ये ज़मीन पे पहुँची। ठीक है जी, अब लेट करते हैं कि ये जो हाइट थी ए पॉइंट की, इसको सी पॉइंट लिख देता हूँ मैं। लेट करते हैं ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड से इसकी हाइट जो है वो एच है। अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एच है तो ये क्या बन गया, एच माइनस एक्स। ठीक है जी, तो हमें प्रूव क्या करना है,
वी हैव टू प्रूव दैट दी मकैनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट, ये हमने प्रूव करना। अगर ये हम प्रूव कर देते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी, ठीक है जी। ए पॉइंट पे बॉडी जो है वो रेस्ट पे थी और फिर उसको हमने ड्रॉप कर दिया। तो सबसे पहले देखते हैं एट पॉइंट ए, ए पॉइंट पे देखते हैं क्या हो रहा है। अगर ए पॉइंट पे बात करें तो ए पॉइंट पे बॉडी तो रेस्ट पे है, ठीक है। तो बॉडी रेस्ट पे है तो कनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी, हाफ ऑफ एम उसकी वेलोसिटी है ही नहीं, तो कनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच। तो मैकेनिकल एनर्जी इस केस में कितनी हो जाएगी, एम जी एच प्लस जीरो, और वो बन जाएगी एम जी एच। कहाँ पे, पॉइंट ए के ऊपर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है उसका जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास एम जी एच आ गया। इसको इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से एट पॉइंट बी, पॉइंट बी की बात कर लेते हैं। अब पॉइंट बी जो है वो देखें, अगर हम यहां से एच माइनस एक्स हाइट पे है तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना तो बड़ा इजी है। यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आ जाएगी एम जी, और हाइट कितनी है उसकी, जमीन से एच माइनस एक्स, पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। लेकिन कनेटिक एनर्जी अगर हमें निकालनी है इस पॉइंट पे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो कितनी वेलोसिटी उसने गेन कर ली, ठीक है। तो टू फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट बी, वी यूज, हम क्या यूज करेंगे, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू जी एक्स। एक्स इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है वो डिस्टेंस इसने कवर जो किया है ऊपर से गिरते समय वो एक्स की है, ठीक है। चलिए इसको मैं दूसरी तरफ करवाता हूँ, इस तरफ लिख देते हैं। इसका मतलब वी स्क्वेयर माइनस यू तो ज़ीरो है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी, इज इक्वल टू टू जी एक्स। तो वी स्क्वेयर मिल गया आपको। अब अगर वी स्क्वेयर मिल गया तो कनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगी इस पॉइंट पे, वो होती है हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर। तो क्या बनी, हाफ ऑफ एम इंटू टू जी एक्स, टू से टू कैंसिल, और कनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एम जी एक्स। तो बी पॉइंट पे जो कनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी ये थी, ठीक है, और कनेटिक एनर्जी ये है। तो टोटल जो एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी बी पॉइंट पे वो कितनी आ जाएगी, एम जी एच माइनस एक्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस एम जी एक्स। इसकी ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स, ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, एम जी एच। यहाँ पे भी मैकेनिकल एनर्जी कितनी आई, क्वेश्चन नंबर टू लिख देते हैं, सेम आई है हाफ ऑफ सॉरी एम जी एच, और यहाँ पे भी एम जी एच आई थी, ठीक है जी। चलिए जी, उसके बाद दूसरा, अब आता है आपके पास एट पॉइंट सी। सी पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, सी पॉइंट के ऊपर अगर आप देखो जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट तो ज़मीन के साथ टच है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सी पॉइंट पे, एम जी, हाइट तो है ही नहीं ज़ीरो, तो ये आ गया ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो इस पॉइंट पे। और अगर हम कनेटिक एनर्जी की बात करें तो कनेटिक एनर्जी के लिए फिर हमारे को सी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी चाहिए, ऊपर से गिर रहा ऑब्जेक्ट, फिर हम यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू जी। अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया वो एच है, ठीक है। तो ये बन गया वी स्क्वेयर माइनस इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी थी, ज़ीरो, इज इक्वल टू टू जी एच। तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू जी एच हो गया। तो कनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर। तो आ जाएगा हाफ ऑफ एम और वी स्क्वेयर की जगह टू जी एच, टू से टू कैंसल, तो
काइनेटिक एनर्जी सी पॉइंट पे कितनी आ गई, एम जी एच। तो देखिए अगर हम यहाँ से देखें पॉइंट ए पे भी एम जी एच, फिर हम देखें पॉइंट बी पे भी एम जी एच टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और पॉइंट सी पे भी एम जी एच टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ रही है। इसका मतलब फॉर अ फ्रीली फॉलिंग पार्टिकल या बॉडी अंडर ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी के फ्रीली फॉल गिर रहा है, दी टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कॉन्स्टेंट या और कंजर्व्ड, विच प्रूव्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो लॉ ऑफ कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे हमने जो है वो प्रूव कर दिया। ठीक है जी, अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब पेंडुलम में वाइब्रेशंस होती हैं तो वहाँ पे जो है वो एनर्जी कैसे चेंज होती है, ठीक है, काइनेटिक और पोटेंशियल। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर, इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा और अगर आपको कोई डाउट है तो पूछिएगा, और मैं फिर कह रहा हूँ अपनी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे डाउट पूछो। ओके बाय।